अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 4024, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट 10 स्टूडेंट्स, फर्स्ट असेसमेंट सेकंड टर्म सर्कल प्रॉपर्टीज का, ये वही वाला क्वेश्चन है जो आपके एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि काफी सारे स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। कुछ स्टूडेंट्स दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, तो उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कीप द ट्रिक्स एंड टिप्स इन माइंड। वो जो की पॉइंट्स मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ उसको अपने जहन में रखो और उसी तरह जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, वही अपनी अप्रोच रखो। पहले लेट्स जस्ट डिसाइड कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगानी है, पहले बैठ के डिसाइड कर लिया करो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगने वाली हैं, उसके बाद उनको एक साइड पे लिख लिया करो और फिर जो है वो बारी बारी उन प्रॉपर्टीज पे फोकस किया करो, तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये इतने मुश्किल नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी कंसंट्रेशन और थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगते हैं ये क्वेश्चन। सर्कल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बोला था ट्रिकी टॉपिक है, अगर आप ध्यान से नहीं करोगे, आप थोड़ी सी मेहनत इस पर नहीं करोगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द सॉल्यूशन। मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करूंगा, वही टिप्स और ट्रिक्स दोबारा आपको रिवाइज कराऊंगा और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। तो लेट्स जस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज ए बी सी डी लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। पहली लाइन को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब ए बी सी डी चार वर्टिसेस का जिक्र है, चार कॉर्नर्स का जिक्र है, इसका मतलब है ये क्वाड्रिलेटरल है और ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस वजह से है क्योंकि चारों के चारों कॉर्नर सर्कमफेरेंस में है, तो इसका मतलब है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी यहाँ बिल्कुल यूज होने वाली है। तो आपने जो है वो अपने जहन में रख लिया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी, कि ऑपोजिट एंगल्स जो है वो क्वाड्रिलेटरल के सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 उनका सम होता है, तो आपने ये प्रॉपर्टी लगानी है। तो आपने ये कॉर्नर में लिख लिया कि भाई ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई होगी। उसके बाद सेंटर ओ आपको गिवन है फिगर में, इसका मतलब है जब भी सेंटर गिवन होता है फर्स्ट प्रॉपर्टी लाजमी अप्लाई होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी को आपको चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, और उसके बाद जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी के लिए डायमीटर होता है, लेकिन यहाँ डायमीटर नहीं गिवन है, डी बी इज नॉट द डायमीटर बिकॉज इट इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर। ये चीज आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होता है। ये जो डी बी लाइन है दिस इज नॉट द डायमीटर, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा, ओ ये रहा और ये लाइन यहाँ से गुजर रही है, इसका मतलब है कि ये जो है वो डायमीटर नहीं है। तो ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसमें स्ट्रगल कर रहे हो तो इसका मतलब है कि अभी आपको सर्कल ही नहीं समझ में आया है कि सर्कल का सेंटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है। अगर मैं सेंटर की बात करूं तो यहाँ मुझे दो रेडियस भी नजर आ रहे हैं और वो दोनों रेडियस मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है ए ओ बी, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो है वो दो एंगल्स बिल्कुल बराबर होते हैं, रेडियस के सामने वाले एंगल्स बराबर होंगे। तो मैं ये दोनों एंगल्स भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। तो पहले मैं जो है वो इन्हीं दो एंगल से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊँगा कि मुझे क्वेश्चन में क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो चूंकि ये वो एक एंगल 120 डिग्रीज दिया हुआ है और मुझे बाकी दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, और चूंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो मुझे पता है ये बाकी दो एंगल्स बिल्कुल बराबर होंगे। तो मैंने क्या किया, 180 को 120 में से माइनस किया तो मेरे पास 60 आ गया, और जब मैं 60 को डिवाइड करूंगा 2 से, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों एंगल्स बराबर होंगे, तो मुझे जो है वो 30 और 30 दो एंगल्स मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि मैंने अपने क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही मैंने ये दोनों एंगल्स फाइंड आउट कर लिया आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन से, क्योंकि मुझे सेंटर नजर आया, मुझे रेडियस नजर आया। ये बेसिकली रेडियस है, ए ओ भी रेडियस है और ये जो ओ बी है ये भी रेडियस है। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैंने दो 30 के एंगल्स पहले ही मार्क कर लिए और अब मैं क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करता हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरे पास जो है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है क्योंकि सेंटर है, सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि डायमीटर नहीं है, थर्ड प्रॉपर्टी में एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी है उसमें बो बनता है, बो की फिगर बनती है, इस तरह के क्रॉसओवर्स आपको नजर आते हैं, लेकिन यहाँ कोई क्रॉसओवर्स मुझे जो है वो नजर नहीं आ रहे, इसलिए मैं जो है वो थर्ड प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा। और उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने देख लिया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी बिल्कुल अप्लाई हो सकती है क्योंकि चार कॉर्नर्स जो है वो सर्कमफेरेंस में है क्वाड्रिलेटरल के, और लास्ट प्रॉपर्टी में जो है वो टेंजेंट होती है, तो यहाँ कोई टेंजेंट मुझे नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है कि फिफ्थ प्रॉपर्टी में यूज नहीं कर सकता। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में अगर मैं देखूं कि मुझे जो है वो ए ओ बी 120 दिया हुआ है, ए डी बी एक्स दिया हुआ है, ओ बी डी वाई दिया हुआ है और डी ए ओ जो है वो 2y दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में मुझे x फाइंड करना है और बोलना है गिविंग बोल रहा है कि गिविंग रीजन फॉर योर आंसर। तो x मुझे फाइंड आउट करना है, x जो है वो जिन दो वीज के दरमियान या जिन दो लाइंस के दरमियान बन रहा है, तो वो लाइन जो है वो सर्कमफेरेंस पे ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे टच कर रही है, और अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को देखूं तो वो एक आर्क बना रहे हैं जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है,
और यही आर्क जो है वो सरकमफेरेंस पे जो है वो एंगल एक्स बना रही है, और यही आर्क जो है वो सेंटर पे 120 का एंगल बना रही है। इसका मतलब है कि यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ये जो सेंटर वाला एंगल है ये डबल होता है, सरकमफेरेंस वाला इसका हाफ होता है। तो इसी वजह से अगर ये 120 वाला एंगल है तो इसका मतलब है कि जो सरकमफेरेंस वाला एंगल होगा वो इसका हाफ होगा, दैट विल बी इक्वल टू 60। तो एक्स की वैल्यू 60 आ गई, और रीजन मैंने लिख दिया कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस देन द एंगल एट द सरकमफेरेंस। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं या बी इज इक्वल टू 2a भी लिख सकते हो, बोथ आर एक्सेप्टेबल। तो इसमें यही चीज मैंने देखी कि जब मैंने देखा कि एक्स जो है वो सरकमफेरेंस वाला है तो इसी लाइन को मैं ट्रेस करते हुए आगे गया तो वो ये एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था, और यही ए पॉइंट से दो एक और बी जो है वो सेंटर पे भी एंगल बन रहा था। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेंटर पे भी एक एंगल बन रहा है, सरकमफेरेंस पे भी एक एंगल बन रहा है, तो सेंटर वाला एंगल डबल होगा, सरकमफेरेंस वाला उसका आधा होगा। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर, 60 जो है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट मैंने जो है वो थोड़ा सा सॉल्व कर ही दिया है, मुझे ये 30 और ये 30 जो है वो एंगल मिल ही चुका है। मुझे जो फाइंड करना है एंगल डी ए बी फाइंड करना है। एंगल डी ए बी जो है वो ये वाला कंप्लीट एंगल है। डी ए बी का मतलब है डी से जा रहा है ए पे जा रहा है और फिर बी पे जा रहा है, इसका मतलब है मुझे ये कंप्लीट एंगल फाइंड आउट करना है। इस कंप्लीट एंगल को फाइंड आउट करने के लिए मुझे वाई चाहिए, अगर वाई मिल जाए तो मैं ये कंप्लीट एंगल बिल्कुल फाइंड कर सकता हूँ। और अगर मैं देखूं कि मुझे ए डी बी एक बड़ा ट्राइंगल जो है वो नजर आ रहा है, ए डी बी की बात करूं तो ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। एक एंगल जो है वो 60 दिया हुआ है, दूसरा एंगल जो है वो 2y+30 है, और तीसरा एंगल जो है वो y+30 है। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करके 180 के बराबर कर दूं तो मेरे पास जो है वो वाई की वैल्यू आ जाएगी। जब वाई की वैल्यू आ जाएगी तो मेरे पास एंगल डी ए बी आ जाएगा। तो ज़रा इसको सॉल्व करते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के कॉन्सेप्ट से। तो एक मेरे पास 60 हो गया एक एंगल ट्राइंगल का, और दूसरा एंगल जो है वो आधा आधा है, थोड़ा सा आधा आधा का मतलब उसमें पार्टीशन हुआ हुआ है। एक पार्टीशन जो है वो 2y है और एक पार्ट जो है वो 30 है, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया 2y+30। और जो लास्ट एंगल है, लास्ट एंगल में भी उसने दो पार्ट में उसको डिवाइड किया हुआ है, एक पार्ट जो है वो वाई है और एक पार्ट जो है वो 30 है। तो मैंने जो है वो इन सबको ऐड करना है, और इन सबको ऐड करने के बाद जो है मैंने इनको इक्वल टू 180 करना है, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और अब मैं जो है वो वाई को वाई में ऐड करूंगा, नंबर्स को नंबर्स में ऐड करूंगा, तो ये 2y है और ये y है, तो ये 3y हो जाएगा। और जब मैं 60 को ऐड करूंगा, और 60+30 हो गया 90, और 90 और 30 जो है वो दोबारा 120 हो गया, और ये पॉजिटिव का 120 जब दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये नेगेटिव का 120 हो जाएगा। तो मैं इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 180-120 जो है वो मेरे पास 60 आ जाएगा। और यहाँ 3y है, मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो 3y=60 हो जाएगा, और y को जो है वो मुझे सब्जेक्ट बनाना है तो 3 को शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी साइड पे। तो जब 3 डिवाइड होगा 60 से तो मेरे पास जो है वो y की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब मेरे पास y की वैल्यू 20 आ चुकी है, तो बस अब मुझे जो है वो y की वैल्यू सिर्फ उसमें पुट करनी है। और मुझे पता है कि सिंस आई हैव टू फाइंड दिस डी ए बी कम्प्लीट एंगल, तो 2y 40 हो जाएगा, और 40+30 जो है वो 70 हो जाएगा। इसका मतलब है डी ए बी की जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 70, क्योंकि वाई की वैल्यू 20 है, वाई की वैल्यू मैंने 20 डाली, 2 से मल्टीप्लाई किया, 40+30 70 आ गया। इस क्वेश्चन को एक और प्रॉपर्टी से भी सॉल्व किया जा सकता है जो कि आप लोग के लिए नहीं है, इसलिए वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उस प्रॉपर्टी को जो है वो चिकन विंग्स के नाम से जो है ना वो जाना जाता है। चिकन विंग्स का मतलब है कि आपने चिकन का जो है वो फुट देखा है, चिकन का जो पैर होता है, मुर्गी का जो पैर होता है वो इस तरह का होता है, उसमें जो है वो तीन जो है वो फिंगर्स होती हैं। जैसे अगर मैं फिंगर्स की बात करूं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है जिसमें मैंने स्टार बनाया है, ये स्टार का मतलब है ए से लेके डी पे जा रहा है, डी से जो है वो वापस बी पे जा रहा है, और फिर बी से ओ पे आ रहा है, और ओ से जो है वो ए पे जा रहा है। अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है तो इस स्ट्रक्चर को जो है ना वो चिकन विंग कहते हैं, चिकन विंग का नाम दिया जाता है। तो एक फिंगर इस साइड पे हो गई, एक सेंटर में फिंगर होती है और एक इस साइड में फिंगर होती है, तो मैं इस स्ट्रक्चर को उसी तरह याद करता हूँ। तो इस स्ट्रक्चर में जो है ना वो एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो सरकमफेरेंस वाला एंगल होता है ना वो ये जो दो छोटे एंगल होते हैं ना इनके सम के बराबर होता है। तो यहाँ वाला एंगल जो है वो 2y और यहाँ वाला जो एंगल है वो y। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं इसको दोबारा यहाँ बना के दिखा देता हूँ, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये जो है मैं चिकन के पैर से मैंने याद रखा हुआ है, तो एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल जो है वो यहाँ बन रहा है और एक एंगल जो है वो यहाँ बन रहा है। तो ये जो दो एंगल होते हैं छोटे वाले एंगल, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ ना तो ये वाला बड़ा एंगल मिलता है। तो अगर मैं यही वाली प्रॉपर्टी इस फिगर पे अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो एक एंगल जो है वो 2y है, ये जो छोटा वाला एंगल बन रहा है इस साइड पे,
इस साइड पे अगर मैं देखूं तो 2y बन रहा है, इस साइड पे y बन रहा है, तो मैं 2y और y को अगर ऐड करूं और वो जो दोनों एंगल्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, वो सामने वाले एंगल के बराबर होंगे जो सर्कमफेरेंस पे बन रहा है, जो कि 60 के बराबर है। यहाँ से भी जो है वो y की वैल्यू आ सकती है, 2y और y जो है वो 3y हो गया, और 3y जो है वो 60 के बराबर हो गया, और y जो है वो 20 के बराबर हो जाएगा। जब y 20 आ जाएगा तो मुझे डी ए बी चाहिए, तो डी ए बी के लिए जो है वो मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो अगेन जो है वो मेरे पास जो डी ए बी एंगल आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 70। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कि अगर आपको इस तरह जो है वो चिकन विंग नजर आया, चिकन का पैर नजर आया, जैसे भी आपको इसको याद करना है, तो आप जो है वो ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। इसके लिए देखो ए बन रहा है तकरीबन ना, ए की तरह का है, और इसमें ये याद रखना कि दोनों जो है ना वो सेंटर पे आके मिलने चाहिए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब आप इनको ऐड करोगे तो ये सामने वाले एंगल के बराबर होगा। तो इस तरह जो है वो ये वाली प्रॉपर्टी भी इसमें अप्लाई हो सकती है, इससे भी बिल्कुल वही आंसर आएगा। लास्ट पार्ट में बी सी डी फाइंड करना है, तो पहले देख लेते हैं बी सी डी कौन सा वाला एंगल है। तो बी सी डी ये वाला एंगल है, तो अब मुझे पता ही चल गया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैं यूज कर सकता हूँ। तो जब ये पूरा एंगल 70 है तो ये इसके ऑपोजिट वाला एंगल है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब है कि ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह कर सकता हूँ कि 70 ये वाला एंगल हो गया और बी सी डी इसमें ऐड करूँ तो आंसर आना चाहिए 180। तो मैं अब सिंपल सा ये काम करूंगा कि 70 को वहां भेज दूंगा और ये माइनस होगा, तो आई विल बी गेटिंग द वैल्यू 110, जो कि इसके फाइनल पार्ट का आंसर था। तो ये 6 मार्क का क्वेश्चन था आपका, ठीक है, ये 6 मार्क का क्वेश्चन आपके असेसमेंट में आया था। तो इसमें जो है वो मैंने आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है वो वही वाली है, कि आपको जो है पहले एनालाइज करना होता है कि आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होनी है। जब आप एनालाइज कर लो उसके बाद बारी बारी उन प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा फोकस करो और क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है वो गौर से देखो, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो समझ में आने लग जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करनी है। हमेशा याद रखना सेंटर होगा तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई करना, डायमीटर होगा तो सेकंड प्रॉपर्टी आएगी, डायमीटर नहीं होगा तो सेकंड प्रॉपर्टी नहीं आएगी, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी के लिए आपको पता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट में इस तरह का क्रॉस बनता है, बो बनता है, तो यहाँ कोई क्रॉस नजर नहीं आ रहा है इसलिए मैंने यहाँ सेकंड प्रॉपर्टी नहीं लगाई, थर्ड प्रॉपर्टी। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लग रही थी बिल्कुल, क्योंकि उसने पहली लाइन में बता दिया था कि सर्कमफेरेंस में है चारों कॉर्नर।